हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग लारोसिरेसिस 30 या 200 डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक लीडर्सनेस बुक के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अस्थमा, हृदय पिंड की क्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी या अवरोध पड़ जाने से ऐसा अनुभव होता है कि सांस रुक जाएगी। डीप ब्रीदिंग, अनबियरेबल ब्रीथ, उठकर बैठने पर यह कष्ट बढ़ जाता है परंतु सोने पर घट जाता है। रोगी को ऐसी खांसी आती है जिससे हृदय पिंड में उत्तेजना पैदा हो जाती है। रोगी मुख खोल कर सांस लेता है, हाँफने लगता है, स्पंदन होता है और झटके लगने लगते। रोगी नीले रोग या नीलेपन का शिकार हो जाता है तथा इसके साथ ही जीवन शक्ति की प्रक्रिया बहुत ही छीण पड़ जाती है। हरित हथपिंड रोग में विशेषकर यह लक्षण अधिक मुखर रहता है। जब रोगी पानी पीता है तो वह गले की नली और आंतों के बीच से गुजरता हुआ गड़गड़ाहट की आवाज़ करता है तथा नाड़ी बहुत ही धीमी चलती। इस औषधि का महत्वपूर्ण लक्षण है जीवन शक्ति की कमी, उसकी प्रतिक्रिया न होना, विशेष रूप से छाती में संबंधी रोगों और हृदय संबंधी विकारों में जीवन शक्ति की प्रतिक्रिया बहुत क्षीण हो जाती, जैसे कार्बोवेज एक्वानाइट 30 या 200 देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। जेलसीमियम 30 बारी बारी से देने से हार्ट में, सांस लेने में, खांसी आने में बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। पानी में डाल के दवा पीने से लारोसिरेसिस 30 या 200, फिर एक्वानाइट 30 या 200, फिर कार्बोवेज 30 या 200, जेलसीमियम 30 या 200 देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। रोगी के रोग के लक्षण उठकर बैठने पर बढ़ जाते हैं। नील रोग, नीला पड़ जाना, सांस लेने में कष्ट होना, ये सभी लक्षण केवल एक और दवा में मिलते हैं जिसका नाम है सोराइनम। 1000 या 10000 नंबर देने से लाभ होता है। स्नायु शक्ति भी अपना असर नहीं दिखाती तथा अच्छी तरह सावधानी से चुनकर दी गई दवा भी रोगी को लाभ नहीं करती है। कैप्सिकम 30 या 200 में शिथिल तंतुओं वाले रोगियों में जीवनी शक्ति की प्रतिक्रिया बहुत क्षीण रहती। ओपियम 30 या 200 में विमूढ़ता, तंद्रा और बिना दर्द जीवन शक्ति की प्रतिक्रिया का अभाव रहता है। स्नायविक रोगों में उस समय वेलेरियाना 30 या 200 और एम्ब्रोग्रीसिया 30 का प्रयोग करना चाहिए जब चुनी हुई दवा से लाभ न हो। कार्बोवेजिटेबलिस 30 का प्रयोग उस समय करिए जब रोगी के दोनों घुटने ठंडे पड़ चुके हों, उसमें पूर्ण उदासीनता हो तथा पतन की अवस्था मुखर। सल्फर 200 और सोराइनम 1000 या 10000 नंबर का प्रयोग उस समय होना चाहिए जब सोरा दोष के कारण जीवन शक्ति की प्रतिक्रिया नहीं होती।
या उसमें रुकावट पड़ती है। जीवन शक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर उस पर लिखी दवाएं भी इस्तेमाल की जाती हैं, परंतु ऐसा करते हुए लक्षणों पर पूरी तरह ध्यान देना जरूरी। लक्षण सदृश होने पर ही दवा का प्रयोग होना चाहिए। ब्लू स्किन में सोराइनम 1000 या 10000 नंबर, अलारोसिरेसिस 30 या 200, एकोनाइट 30 या 200, कार्बोवेट 30 या 200, जेल्सीमियम 30 या 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। लेस लाइफ पावर में कैप्सिकम 30, ओपियम 30 व वेरे वेलेरियाना 30, कार्बोवेट 30, सल्फर 30 और सोराइनम 1000 या 10000 नंबर देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। लैक्टिक एसिड 30, लैक्टिक एसिड मधुमेह रोग की उत्तम औषधि है। इसका प्रयोग विशेष तौर पर उस समय उस अवस्था में होता है जब रोगी को बहुत अधिक शक्कर आ जाती और संधियों में बात का दर्द भी रहता है। चिकित्सक सामान्य तौर पर कम पोटेंसी में ही इसका व्यवहार करते, परंतु अनुभव द्वारा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसकी ऊंची पोटेंसी की खुराक बहुत लाभप्रद होती। ऑक्जेलिक एसिड 30 या 200 एक विचित्र लक्षण पाया जाता है जिसका मैंने कई बार परीक्षण करने पर बिल्कुल सही पाया। जब रोगी अपने हृदय रोग के बारे में सोचता है तो उसकी सांस की तकलीफ और हृदय की धड़कन बहुत बढ़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।